यहाँ भी जाते हैं तो बजरंगबली को एक बार कहते हैं कि हम फिरता जो अमुक जगह कहते हैं उसका दुकान का चार चांद लगा दीजिएगा। तो पहला तो बजरंगबली का आशीर्वाद ये दुकान पर ज़रूर रहेगा। और फर्नीचर एक ऐसा चीज़ है, वो शादी ब्याह हो, घर के सजाने की काम हो, हर काम में हर आदमी को जरूर। इसी के साथ साथ फैशनेबल जो इस दौर में, हम ये कहेंगे कि नगर निगम में एक तरक्की का अध्याय और जुड़ गया, और नगर निगम नहीं बल्कि पूरे ज़िला के लोगों को यहाँ एक बार आना चाहिए, और आशीर्वाद के ही रूप में सही, घूमने के ही रूप में सही, और आग के पहले इतना अभी करें, चाहे किसी तरह का आयोजन करें। हमको अगर ऑफिशियल अगर ऑफिस सजाना है उसके लिए भी हमको फर्नीचर की ज़रूरत पड़ती है, चाहे शादी में जाएं उसके लिए भी, बेटी की शादी में भी हमको भेजना है तो उसके लिए फर्नीचर की ज़रूरत है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है जो कम दामों में, मैं लगभग 7-8 साल से मधुबनी की मार्केट को घूम रहा था, दरभंगा भी गया, मुजफ्फरपुर भी गया, पटना भी गया, यहाँ के लोगों को मैं देख रहा था कि ये फर्नीचर का या होम डिकोर का सामान मुजफ्फरपुर पटना से जाकर के खरीद के ला रहे थे, अपने मधुबनी में इस तरीके का सेटअप नहीं था। तो मैं और हमारे दोस्त हैं लुकमान भाई, हमारे बड़े भाई हैं, हमने कहा कि एक चीज़। दोस्तों आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया, मैं आपके साथ शाहिद कामरान, अभी हमारी टीम मौजूद है गांधी चौक से पूरब स्थित HR पैलेस के निकट। आप देख सकते हैं कि यह फर्नीचर मार्ट है जिसका उद्घाटन अभी कुछ पल पहले ही मधुबनी नगर निगम के मेयर अरुण राय और डिप्टी मेयर अमानुल्लाह खान के अलावा अन्य लोगों ने फीता काट कर किया है। दर्शकों बता दें कि आप देख सकते हैं कि यह भव्य जो दुकान जिसका फर्नीचर मार्ट का उद्घाटन किया गया है, आप देख कर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विभिन्न किस्म के न सिर्फ यहाँ फर्नीचर बल्कि फर्नीचर घर से जुड़े हुए यहाँ से मिलेंगे। आप यहाँ आकर आप देख भी सकते हैं और ख़रीद भी सकते हैं। हम बात करेंगे यहाँ जो मेहमान हैं अभी यहाँ के डिप्टी मेयर और मेयर अरुण राय जी, उसे जानेंगे कि आखिरकार HR जो फर्नीचर मार्ट यहाँ खोला गया है, इस फर्नीचर मार्ट से यहाँ के लोगों को क्या फ़ायदा हो सकेगा। हालांकि मधुबनी शहर में बहुत सारे ऐसे फर्नीचर्स के दुकान हैं जहाँ जो पहले से ही अवस्थित है। आइए हम बात करते हैं पहले उन मेहमान से, उन गेस्ट से जिन्होंने इसका उद्घाटन किया है, फिर हम जानेंगे यहाँ के जो प्रोपराइटर हैं मोहम्मद लुकमान और रियासत अली उर्फ कल्लू, उनसे भी हम जानेंगे कि आखिरकार क्या वजह है कि दर्जनों दुकान होने के बावजूद आपने फर्नीचर मार्ट यहाँ खोलने का काम किया है। देखिए यह बातचीत। सर, अभी आपने फर्नीचर मार्ट का उद्घाटन किया है फीता काट कर, क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर? मधुबनी जो हम मेयर बने उसके बाद उद्घाटन हम बहुत किए हैं, लेकिन जहाँ भी जाते हैं तो बजरंगबली को एक बार कहते हैं कि हम फिरता जो अमुक जगह कहते हैं उसका दुकान का चार चांद लगा दीजिएगा। तो पहला तो बजरंगबली का आशीर्वाद ये दुकान पर ज़रूर रहेगा। और फर्नीचर एक ऐसा चीज़ है, वो शादी ब्याह हो, घर के सजाने की काम हो, हर काम में हर आदमी को ज़रूरी है। तो मधुबनी ज़िला में ऐसा डेकोरेशन के साथ अच्छा अच्छा फर्नीचर पलंग मिलेगा तो कहीं ना कहीं मधुबनी ज़िला के लोग ज़रूर यहाँ आएंगे और अपना सामान खरीद करके अपने घर को सजाएंगे। यही हम ईश्वर से भी प्रार्थना करते हैं, ये दुकान को चार चांद लगे, अच्छा से अच्छा बिक्री हो, ताकि शहर में ये लगे कि नहीं, ये दुकान का बिक्री जो है बहुत अच्छा है, एक दुकान और हम खोले तो दुकान अधिक खुलेगा, शहर का विकास होगा, साथ साथ नगर निगम का भी विकास होगा, क्योंकि रेवेन्यू भी आएगा। यही हमारा कहना। सर, हमने हमारी टीम ने मुआयना किया है दुकान का, देखा है कि बहुत सस्ता से सस्ता सामान यहाँ उपलब्ध है, इस पर क्या कहेंगे? मार्केट में जो अन्य दुकानें हैं उससे कहीं ज़्यादा मजबूत और सस्ता सामान लाने की कोशिश की गई है, तो क्या लगता है यहाँ की जो सेल है, अगर इस तरह से इसे सस्ता सामान लाया गया, अगर रखा जाएगा तो सेल बढ़ेगा ऑटोमेटिक? कल्लू भाई के टीम बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं, और हर बिजनेसमैन का जो है ये तौर तरीका जो होता है कि सस्ते रेट में अधिक से अधिक माल बिक्री करें, ताकि जो भी खरीद करके लेकर के जाए तो एक घर से दूसरे घर ये आवाज़ दे कि ये जो हम सामान अमुक जगह से लिए हैं इतना सस्ता में मिल रहा है, जो मधुबनी शहर में नहीं मिल रहा है, तो ये दुकान का बिक्री भी होगा और हमारे समाज, हमारे ज़िला में हर घर अपना सामान से सजाएंगे, बनाएंगे, क्योंकि सस्ता सामान और अच्छा सामान सबको जरूरी है। धन्यवाद आपका। आइए हम बात करते हैं, डिप्टी मेयर अमानुल्लाह खान सर भी हैं हमारे साथ, बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका।
बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस अवसर पर क्या कहेंगे आप? हमारा कहना यही है कि आज मधुबनी नगर निगम के मेयर अरुण राय जी के द्वारा फर्नीचर मार्ट का उद्घाटन किया गया है, ये शुभ संकेत है यहाँ के प्रोपराइटर के लिए, चाहे वो रियासत अली उर्फ कल्लू हो या फिर आपको लुकमान साहब हो, इन लोगों ने जो घर सज्जा की जो सामग्री यहाँ मुहैया की है, इसमें मजबूती के साथ साथ फैशनेबल जो इस दौर में, हम ये कहेंगे कि नगर निगम में एक तरक्की का अध्याय और जुड़ गया, और नगर निगम नहीं बल्कि पूरे ज़िला के लोगों को यहाँ एक बार आना चाहिए, और आशीर्वाद के ही रूप में सही, घूमने के ही रूप में सही, और आके पहले इत्मीनान हो, और विभिन्न जगहों पे यह सब माट का दुकान खुला हुआ है, फर्नीचर माट का, वो वहाँ जाएं और मुआयना करें, फिर यहाँ का रेट वहाँ का रेट मिलाएं, उसके बाद परचेजिंग करें। यहाँ बहुत सारी सहूलियत देने दी जा रही है, और कौन कार्ड के जरिए, हाँ कौन कार्ड के जरिए किस्त वगैरह ये सब भी प्रोविजन है और बनने जा रहा है, तो गरीब से गरीब आदमी भी फ़ायदा उठा सकता है। और शादी की सारी सामग्री जो जैसे घर सजावट की, जैसे दुल्हन को कुछ देना है तो उसमें पलंग है, सिंगरदान है, अलमीरा है, सोफ़ा सेट है, डाइनिंग टेबल है, इत्यादि अनेक प्रकार के सामान यहाँ मौजूद हैं। बहुत ही खुशी की बात है। हम अल्लाह ताला से ये दुआ करना चाहते हैं, जैसा कि हर मजहब के लोग अपने अपने ढंग से अपने ईश्वर को याद करते हैं, अभी हमारे मेयर साहब ने बजरंगबली के माध्यम से दुआएं खैर की है इस दुकान के लिए, इसी तरह से हम ये कहना चाहते हैं अजय मुस्लिम कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान है कि जब किसी को कुछ अता करता है तो वो समाज की खिदमत करता है। ये दुकानें समाज की खिदमत खल्क के लिए बनी हैं, लोग एक बार तशरीफ़ लाएँ और फ़ायदा उठाएँ, ये है, और अल्लाह ताला से दुआ है कि इसमें दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की हो। लोगों का परिचय दीजिए। मेरा नाम हो गया प्रभांशु कुमार झा, जिला भाजपा उपाध्यक्ष। सर आज लुकमान मोहम्मद लुकमान और रियासत अली कल्लू काफ़ी मशहूर नाम है, उनके द्वारा ये फर्नीचर मार्ट का ग्रैंड ओपनिंग किया गया, सर इस अवसर पर क्या कहना चाहेंगे आप? निश्चित रूप से सबसे पहले मैं मेयर साहब उप मेयर साहब को धन्यवाद दूंगा, और कल्लू जी जो हमारे पंचायत के ही हैं, इनके अपने पंचायत की तरफ से मेयर साहब को और उप मेयर साहब को भी धन्यवाद। दूसरी बात, जैसी जिसकी सोच होती है, कल्लू भाई की जो सोच है, आम जनमानस का जो समस्याएं हैं या जो उपलब्धता है, वो कल्लू भाई की सोच है, जो घर घर तक वो उपलब्धता कैसे पहुंचाएं, ये इनकी सोच दर्शाती है। और ये जो सोच अभी जो ये फर्नीचर का काम किए हैं, वो उनकी सोच दर्शाती है जो किस हिसाब का काम है, क्योंकि घर घर की काम आती है। निश्चित रूप से हमारे गुरुजी भी हैं, मनुला जी और पार्षद भी हैं, उनका जो कहनाम है, जो चाहे हम लड़की की शादी करें, चाहे किसी तरह का आयोजन करें, हमको अगर ऑफिस सजाना है उसके लिए भी हमको फर्नीचर की ज़रूरत पड़ती है, चाहे शादी में जाएं उसके लिए भी, बेटी की शादी में भी हमको भेजना है तो उसके लिए फर्नीचर की ज़रूरत है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है, जो कम दामों में टिकाऊ सामान, जो ये उपलब्धता, ये सोच दर्शाता है कल्लू भाई की, जो कम दामों में उचित सामान और मजबूत टिकाऊ जो ये प्रदर्शन किए हैं, ये आम जनमानस, खास के मधुबनी नगर वासियों के लिए नहीं बल्कि इर्द गिर्द अगल बगल जितने पंचायत हैं उनके लिए भी ये स्वर्णिम है। और आए, अभी दीपावली है, छठ है, बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जिस शुभ अवसर पर खरीदें और इसका मौका का फायदा उठाएं। बहुत धन्यवाद आपका। आइए हम बात करते हैं फर्नीचर मार्ट के प्रोप्राइटर से, इनके दो प्रोप्राइटर हैं, पहले हम बात करते हैं रियासत अली से। स्वागत है आपका जी। रियासत साहब, आपने बहुत बड़ा तोहफा दिया मधुबनी वासियों के लिए, क्या दिल में आया और फिर इतना बड़ा तोहफा? जी देखिए, मैं लगभग 7-8 साल से मधुबनी की मार्केट को घूम रहा था, दरभंगा भी गया, मुजफ्फरपुर भी गया, पटना भी गया, यहाँ के लोगों को मैं देख रहा था कि ये फर्नीचर का या होम डिकोर का सामान मुजफ्फरपुर पटना से जा कर के खरीद के ला रहे थे, अपने मधुबनी में इस तरीके का सेटअप नहीं था। तो मैं और हमारे दोस्त हैं लुकमान भाई, हमारे बड़े भाई हैं, हमने कहा कि एक चीज़ यहाँ पे होना चाहिए। अब मधुबनी नगर पालिका से नगर निगम भी बन गया है, कुछ क्या क्या सुविधा देंगे आप यहाँ, जो फर्नीचर का जितनी सुविधा होती है, फाइनेंस भी होगा क्या? देखेंगे भविष्य में, अगर जी अगर ज़रूरत पड़ी तो, जैसे बजाज फाइनेंस वगैरह है, आदमी को जी काम किया जा सकता है जी। आपने बहुत अच्छा सवाल किया, कई लोगों ने मुझे कहा कि आप बजाज फाइनेंस को भी इसमें कंसल्ट कर लीजिए ताकि आपके बहुत ज़रूरी है, हर आदमी के पास पैसे नहीं होते ज़रूरत के सामान लेने के लिए, तो
होगा, इसका भी सुविधा होगा। आइए हम बात करते हैं दूसरे पार्टनर से, मोहम्मद लुकमान से। ये बताएं कि आज जो फर्नीचर मार्ट का उद्घाटन हुआ है यहाँ, आखिर किस उद्देश्य से खोला गया? इसलिए कि हालांकि मधुबनी में बहुत सारी दुकानें हैं, बहुत सारे फर्नीचर्स के पहले से भी दुकान हैं, फिर भी इस दुकान को खोला गया है और काफ़ी भव्य तौर पर कह सकते हैं कि ग्रैंड ओपनिंग की गई है, क्या इसका उद्देश्य है? देखिए, एक्चुअली क्या है कि हम लोग जो है शुरू से स्टील अलमीरा का फर्नीचर बना रहे हैं और इसके साथ साथ जो कस्टमर आते थे तो उनको दिक्कत होती कि पलंग है, सोफ़ा है, कुर्सी, वो सब भी चाहिए, तो इसीलिए कस्टमर के मांग के डिमांड के हिसाब से हम लोग जो है इसका उद्घाटन किए। दर्शकों, देखा आपने, अभी हमारी बात हुई इनके प्रोप्राइटर से। हम बता दें कि फर्नीचर की बात की जाए तो फर्नीचर हर घर के लिए ज़रूरी होता है, फर्नीचर से घर की शोभा को चांद लगता है, इसलिए ज़रूरी है कि हर घर में फर्नीचर हो। एक्चुअली हम बता दें आपको, ऐसा कि अभी मुझे मेरी बात हुई है यहाँ के प्रोप्राइटर से, उन्होंने कहा है कि आने वाले वक्त में फाइनेंस की भी सुविधा होगी अलग, इसलिए एक बार ज़रूर आए, आकर मिले इनसे, देखें, समझें और अगर अच्छा लगे ज़रूर ख़रीद कर ले जाए। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तो देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया।